नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर महाकाल विस्तार योजना के तहत तेजी से हो रहा है विकास। एक तरफ बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन कराना मंदिर समिति के लिए बड़ी चुनौती है। 11 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंचे, उसके पहले महाकाल सुपर कॉरिडोर महाकाल विस्तार योजना के तहत हो रहे कार्यों को पूर्ण करना और दूसरी तरफ हजारों की तादाद में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन कराना बड़ी चुनौती सामने है। लेकिन समिति की व्यवस्था को देखते हुए हजारों की तादाद में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने आसानी से दर्शन होने के उपरांत मंदिर समिति का धन्यवाद और आभार व्यक्त कर चैनल माध्यमिक किया। मैं स्नेहल शारदा हूँ, मैं एक वकील हूँ, यहाँ कोर्ट के काम से आई थी दिल्ली से, पर दर्शन करने का मौका मिला, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत बढ़िया सब चीज़, सारी चीज़ें बहुत अच्छी सी हुई। नहीं, कोई समस्या नहीं आई। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है और जो आगे और होने वाली है उससे लगता है कि और अच्छे से दर्शन हो पाएगा। मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ, मेरा नाम स्नेहा वासेकर है और उज्जैन का ये जो महाकालेश्वर मंदिर है वो बहुत ही फेमस है, वो हम देखने आए हैं। यहाँ की व्यवस्था जो है बड़ी अच्छी है, बहुत बड़ा मंदिर है, ये लाइन बाय लाइन यात्री आते हैं, दर्शन करते हैं भक्त और अच्छा है, परिसर बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है और ये उज्जैन के लिए ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है महाकालेश्वर मंदिर का। हम अम्बाला से आए हैं जी, यहाँ की बहुत बढ़िया व्यवस्था है और कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें परेशानी नहीं हुई, बहुत खुले दर्शन हो गए यहाँ पे। मेरा नाम श्रेयांश है। महाकाल सर बताइए कहाँ से आए और यहाँ व्यवस्था को लेकर दर्शन कैसे हुआ? हम लोग दिल्ली से आए हैं और वैसे तो हम लोग इंदौर आए थे कोर्ट के काम से, बट कोर्ट से फ्री होने के बाद हम महाकाल के दर्शन के लिए आए और बहुत ही उत्तम व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था लगी, बड़े अच्छे से महाकाल के दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ की समिति के बारे में व्यवस्था को देखते हुए क्या कहेंगे? समिति बहुत अच्छा काम कर रही है, सब व्यवस्था बहुत अच्छी है, उत्तम व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? आलोक कुछल, दिल्ली से आए हैं। मैं कालपी वेद व्यास जन्मभूमि से आया हूँ, मुझे यहाँ की व्यवस्था जो है बहुत बढ़िया लगी है और मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ शांति इतनी मिली है हमको दर्शन करने से। महाकाल की जय हो। अशोक कुमार पुरवार, कालपी। कहाँ से आए और यहाँ की व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? मैं महोबा से आला उडल की नगरी से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैं यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया हूँ, उनको देख के मुझे बहुत ही आत्म शांति मिली और यहाँ बहुत अच्छी सुचारू व्यवस्था है जिससे हम लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और यहाँ आके बहुत ही आनंद महसूस हुआ।